सिम्टम्स इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। हृदय की किसी धमनी के बंद हो जाने के कारण हार्ट अटैक आता है। नियमित कसरत नहीं करना, पूरे दिन बैठे रहना, धूम्रपान, तंबाकू, चर्बीयुक्त आहार, ज्यादा तनाव, ज्यादा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का बढ़ना, वंशगत हृदय रोग, ये सभी हार्ट अटैक के कारण हो सकते हैं। ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के हैं। इन्हें महसूस करें तो तुरंत एक संपूर्ण सुविधा वाली हॉस्पिटल में जाएं। इसे मामूली एसिडिटी समझकर देर न कीजिए। मेडिकल साइंस में डैश प्रोसीजर का दुनिया भर में बहुत महत्व है। डैश मतलब डायरेक्ट एंजियोप्लास्टी सेव्स हार्ट, यानी ईसीजी से हार्ट अटैक की गंभीरता के बारे में पता चलते ही अगर डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी कर दी जाए तो मरीज के जान बचने की संभावना कई हद तक बढ़ जाती है। एंजियोप्लास्टी में धमनी के अंदर एक ट्यूब के माध्यम से रुकावट तक एक बलून ले जाते हैं और उसे फुलाते हैं। बलून फुलाने से बंद हो चुकी धमनी वापस खुल जाती है और इसमें रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। उसे खुला बनाए रखने के लिए हम एक स्टेंट या जाली लगाते हैं। सही समय पर पहुंचना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सही हॉस्पिटल को चुनना। सही हॉस्पिटल वही होता है जहां सारे आधुनिक उपकरण हो, सबसे अनुभवी डॉक्टर्स हो और पेशेंट का 24 घंटे ख्याल रखने की सुविधा हो। और तो और, आजकल की एम्बुलेंस में सारी दवाइयां, कार्डियोग्राम और हर प्रकार के साधन का प्रबंध होता है। पेशेंट की स्थिति को एम्बुलेंस में ही स्थिर कर दिया जाएगा। और अगर आप एक संपूर्ण सुविधा वाली हॉस्पिटल से दूर हैं, तो सबसे पहले आपके नजदीकी फिजिशियन के पास जाएं, थ्रोम्बोलिसिस करवाएं, जिससे आपका खून पतला हो जाएगा और आप थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाओगे। उसके बाद तुरंत नजदीकी अद्यतन हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि सिर्फ थ्रोम्बोलिसिस करना काफी नहीं है। सीरियस हार्ट अटैक का समाधान एंजियोप्लास्टी या बाईपास ही हो सकता है, और कई केस में दवाइयों से भी काम चलता है। Well, everything looks great. चलिए आज आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन remember, no smoking, no drinking, low trans fats, only salads, fresh fruits. और हाँ, oily चीजें बिल्कुल नहीं, समझे? And हाँ, every day, हर रोज एक घंटा exercise बिल्कुल जरूरी है।